दोस्तों, ये जेएस मिल के मेथड्स बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। तो जेएस मिल के जो मेथड हैं वो पांच हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा डिफरेंस अप्रोच, तीसरा दोनों को जोड़ दो पॉजिटिव और डिफरेंस अप्रोच, चौथा जो है मेथड ऑफ रेसिड्यू है, और पांचवा जो है वो कॉमिटेबल वेरियंस वाला है। ठीक है, इनवेरिएबल कॉमिटेंस जो होता है। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो है वो जेएस मिल का मेथड है पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाले में ये है कि कोई चीज़ अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रही है तो ठीक है, उसको देख लो आप कि वो चीज़ है या नहीं है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट को पता करने का तरीका है। कोरोना पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कोरोना पॉजिटिव है आपका। सीधी सी बात है, अगर आप बीमार हो और कोरोना पॉजिटिव की टेस्ट की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आई है, तो बीमारी की वजह कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मिल साहब कह रहे हैं हाँ है। फिर मिल साहब कह रहे हैं दूसरा प्रिंसिपल डिफरेंस अप्रोच, वो कह रहे हैं कि आप बीमार हो लेकिन कोरोना की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई है, इसका मतलब आप कोरोना से बीमार नहीं हो। तीसरा मेथड कहता है कि इन दोनों को जोड़ दो, पहले और दूसरे को। वो ये कहता है कि पहले तो कोरोना टेस्ट कराओ, कोरोना पॉजिटिव आया ठीक है बीमार हो, और फिर कराया फिर नेगेटिव आया ठीक है, इसका मतलब आप कोरोना से बीमार नहीं हो, ये पक्की बात है। ठीक है, तो इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों लेते हैं हम, तब और क्लियर कट पिक्चर आती है इसमें। ये चीज़ हो गई ठीक है। तो दूसरा वाला जो डिफरेंस का है, डिफरेंस का मतलब जो है ये दो लोगों की बात हो रही है, एक आदमी की बात नहीं हो रही है। मतलब तीसरे जो टेस्ट है इसमें डिफरेंस अप्रोच का मतलब ये कि दो लोगों के टेस्ट कराए हमने, दोनों बीमार हैं, एक कोरोना पॉजिटिव से बीमार है जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और एक की नेगेटिव रिपोर्ट आई है कोरोना की। तो जो दूसरा वाला है उसको कोरोना से बीमारी नहीं है, ये बात पूरी पक्की है ठीक है। तो ये डिफरेंस अप्रोच और पॉजिटिव अप्रोच दोनों ले लिए तीसरे में ठीक है। तो ये है, नाम अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, बट आप बेसिक याद रखो सिंपल सी फॉर्म में। चौथा है मेथड ऑफ रेसिड्यू। इसमें दो कंडीशन आती हैं, एक तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। अब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही नहीं है बुखार किससे हो रहा है, तो विड्राल टेस्ट कराओगे और टेस्ट कराओगे, सारे टेस्ट कराओगे तब पता चलेगा ना, सीधी सी बात है। और एक है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपने 10 टेस्ट करा लिए हैं उसमें तो नहीं आया, तो वो वाला टेस्ट तो आप कराओगे नहीं अब, तो फिर आप दूसरे वाले टेस्ट कराओगे। तो ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वाले हैं ठीक है। सिंपल तरीका है डायग्नोस्टिक मेथड का ये मिल का। और पांचवा है इसमें कि इनवेरिएबल जो है वो इनवेरियंस होगा कॉमिटेंस में, मतलब कॉज एंड इफेक्ट एक साथ चलेगा। मतलब अगर कोई चीज़ जो है वो हम देखेंगे कॉज और इफेक्ट में कैसे बिहेव कर रही है, जैसे आप मिर्च ज़्यादा है खाने में तो और मिर्च डालोगे तो और ज़्यादा हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसमें कैसा कोरिलेशन आया, अरे ये जो पाँचवा है ना इसको कोरिलेशन वाला है कुछ नहीं, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है ठीक है, बस ये चेक करने का तरीका होता है इसमें। तो ये मिल के मेथड है। एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या आता है, एक तो मिल के मेथड कितने हैं पाँच, उनके नाम पूछ लिए, हाँ पूछ लिए, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन आती है कि ये वाला जो टेस्ट है ये मिल के कौन से मेथड से जो है वो मैच करता है। ऑप्शन में दे रखा होगा, नाम याद करने की जरूरत है नहीं ठीक है, सिंपल है। पांच रूल है मिल्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी गेट एग्जामिनेशन में तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, दो बार हुआ है एग्जाम, दोनों बार आता है ठीक है। तो इसमें आप बस कॉज एंड इफेक्ट देख लो, कॉज एंड इफेक्ट में जो पांचवा रूल है उसमें आप कोरिलेशन देख लो, कोरिलेशन और रिग्रेशन देख लो ठीक है, दोनों चीज़ें चेक करी जाती हैं उसमें। चौथे वाले में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, तीसरे वाले में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव, कितना आसान है, हो गया 3 मिनट में।